तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ECC। तो ये पैरामीटर क्या डिसाइड करता है, एक्सेलरेशन टाइम। तो इसमें देखते हैं, इसमें अभी 4 सेकंड सेट है, ठीक है। तो ये टाइम ये डिसाइड करता है कि आपकी मोटर जो है वो जीरो स्पीड से मैक्सिमम स्पीड में कितनी देर में जानी चाहिए, वो ये टाइम डिसाइड करता है, ठीक है। तो इसमें आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से जितनी चाहिए उतनी सेकंड सेट कर सकते हो, ठीक है। बाद में उसको एंटर कर देना है, फिर से बाद में आपको प्रेस करना है। अभी क्या है, डीईसी का मीनिंग क्या है, डिक्लेरेशन टाइम, मतलब आपकी मोटर वो मैक्सिमम स्पीड से जीरो स्पीड में कितनी देर में आएगी वो ये डिक्लेरेशन टाइम डिसाइड करेगा, ठीक है। अभी इसमें 2 सेकंड सेट है, मतलब टू से जब भी आप उसको स्टॉप वार्न देंगे तो 2 सेकंड में वो बंद हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, F4। अभी F4 में जाने के लिए आपको ये शिफ्ट वाला बटन प्रेस करना पड़ेगा, इससे ये F वाला ग्रुप आएगा, ठीक है। इसमें क्या है, F4 स्टॉप मोड, उसमें अप करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टॉप मोड क्या डिसाइड करता है कि आपकी मोटर को स्टॉप कैसे करानी है, वो ये पैरामीटर डिसाइड करता है, ठीक है, स्टॉप मोड। तो इसमें अभी 0 सेट है, 0 का मीनिंग क्या है कि डिक्लेरेट टू स्टॉप, मतलब आपने यहाँ पर जो भी डिक्लेरेशन टाइम डाला होगा जितना भी सेकंड, उसके हिसाब से आपकी मोटर स्टॉप होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 1 डीसी ब्रेक टू स्टॉप। डीसी ब्रेक टू स्टॉप मतलब कि इसमें क्या होगा कि जब भी आप आपकी मोटर को स्टॉप करोगे तो स्टॉप होने के बाद आपकी जो VFD है वो आपकी मोटर में डीसी वोल्टेज जाने दी, तो उससे क्या कि आपकी जो मोटर है वो कंप्लीट स्टॉप होगी, ठीक है। और इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, जहां पर हमारी जो मोटर है वो रिवर्स घूमने का डर रहता है वहां पर हम डीसी ब्रेक टू स्टॉप यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, 2 करोगे तो उसका मीनिंग क्या होगा, फ्री रन टू स्टॉप, मतलब इसमें आप डिक्लेरेशन टाइम के हिसाब से स्टॉप नहीं होगी आपकी मोटर, इसमें अपने आप ही घूमती रहेगी और जैसे ही उस पर लोड हैवी होगा तो वो फास्ट स्टॉप हो जाएगी और लाइट लोड होगा तो वो थोड़ी देर घूमती रहेगी, बाद में वो स्टॉप होगी, ठीक है। नेक्स्ट 3, इसमें 3 करोगे आप तो उसका मीनिंग क्या होगा, पावर ब्रेकिंग स्टॉप, मतलब कि जब भी आपके पास ब्रेकिंग रजिस्टर लगा नहीं होगा और डिक्लेरेशन टाइम आपको कम चाहिए तो इसमें पावर ब्रेकिंग स्टॉप यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर इज F21 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो ये पैरामीटर क्या डिसाइड करता है, तो ये पैरामीटर ये डिसाइड करता है कि आपको आपकी मोटर को मैक्सिमम कितनी स्पीड पर चलानी है वो ये पैरामीटर डिसाइड करता है, ठीक है। तो अभी इसमें 50 सेट है, मतलब कि आपकी मोटर मैक्सिमम 1500 RPM तक घूम सकती है। इसमें 60 करोगे तो आपकी मोटर मैक्सिमम 1800 RPM तक घूम पाएगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसके साथ ही एक लोअर फ्रीक्वेंसी और इसको स्टार फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो F23 पैरामीटर में हम देखते हैं, इसको अभी F23, इसमें 0.5 सेट है, ठीक है। हम इसमें हमें मिनिमम कितनी स्पीड पर हमारी मोटर को नहीं चलानी वो इसमें सेट कर सकते हैं, शायद हमें 5 हर्ट्ज से नीचे कोई भी फ्रीक्वेंसी हो तो हमारी मोटर को चलनी नहीं चाहिए ऐसा करना है तो इसमें 5 सेट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। देखिए अभी मैंने इसमें 3 सेट करता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारी मोटर घूमेगी नहीं क्योंकि इसमें हमने लोअर फ्रीक्वेंसी 5 सेट की है, ठीक है। तो जब भी हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 से अप जाएगी या 5 जाएगी तब भी हमारी मोटर स्टार्ट होगी, ठीक है, वरना वो स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम हम अभी 60 तक जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पर 60 सेट किया तो हमारी जो मोटर की मैक्सिमम स्पीड है वो 60 तक जाएगी, ठीक है, मतलब कि 1800 RPM पर हमारी मोटर घूमेगी। अभी नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, F22 बेस फ्रीक्वेंसी। तो ये पैरामीटर क्या डिसाइड करता है कि आपकी मोटर की नेम प्लेट पर कितनी फ्रीक्वेंसी लिखी है वो आपको इसमें डाल देनी है, ठीक है। 50 लिखी है, 50, 60 लिखी है, 60, ज़्यादा ज़्यादा हमारी जो मोटर है नॉर्मल उस पर 50 लिखा होता है, ठीक है, तो इसमें हमें 50 डालना है। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, F25 फ्रीक्वेंसी हायर लिमिट एंड फ्रीक्वेंसी लोअर लिमिट। तो ये फिर से क्या आ गया, हमारी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और स्टार्ट फ्रीक्वेंसी की जैसा ही है, मगर ये काम कब करेगा, जब हमारे जो F24 करके एक पैरामीटर है F24, इसमें जब 0 होगा तो ये काम नहीं करेगी, ठीक है। जब भी हम इसमें 1 करेंगे तो हमारे जो ये फ्रीक्वेंसी की हायर लिमिट हमने इसमें जो सेट की वो काम करने लगेगी और लोअर लिमिट हमने जो सेट की वो काम करने लगेगी, ठीक है। बाद में इस ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये लोअर फ्रीक्वेंसी तो रहेगी मगर उसकी भी लिमिट ये वाली फ्रीक्वेंसी सेट करेगी, ठीक है। तो अभी देखिए F25 में हम 40 कर देते हैं तो हमारी जो मोटर की मैक्सिमम स्पीड जाएगी वो 40 तक ही जाएगी।
तो चलिए मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। देखिए अभी 40 हो गई, ठीक है, क्योंकि इसमें हायर लिमिट हमने 40 सेट कर दी। वैसे ही इसमें लोअर लिमिट हम सेट करते थे, देखिए F26, इसमें लोअर लिमिट हम सेट करते हैं। देखिए अभी इसमें हम सेट करते हैं 10 हर्ट्ज़, ठीक है, और इसको हम कर्व करके इसको हम 5 5 पर घुमाना चाहते हैं, तो फिर हमारी मोटर नहीं घूमेगी, डायरेक्ट वो 10 पर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने लोअर लिमिट सेट की है। तो ये हो गया हमारे फ्रीक्वेंसी की हायर लिमिट एंड लोअर लिमिट। ये काम कब करेगी, जब F24 पैरामीटर में 1 होगा तभी ये काम करेगी, वरना ये हमारी जो हायर लिमिट लोअर लिमिट काम नहीं करेगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, F27 टॉर्क बूस्ट सिलेक्ट। तो ये पैरामीटर क्या डिसाइड करता है कि मैन्यूल 0 होगा तो इसमें मैन्यूअल टॉर्क बूस्ट एंड 1 होगा तो ऑटो टॉर्क बूस्ट। तो इसमें क्या है अभी देखते हैं, 27 पैरामीटर में अभी 0 है, 0 मतलब मैन्यूअल टॉर्क बूस्ट, मतलब कि अभी हम F21 फॉरवर्ड टॉर्क बूस्ट एंड F29 रिवर्स टॉर्क बूस्ट, तो ये दोनों में जितना हमने सेट किया होगा उसके हिसाब से हमारी जो मोटर को टॉर्क मिलेगा। तो टॉर्क ये हम यूज कब कर सकते हैं कि जब भी हमारी जो मोटर को स्टार्ट किया और वो लोड नहीं उठा पा रही और ज्यादा एमपीए ले रही, तो यहाँ पर हम टॉर्क बूस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैनुअल टॉर्क बूस्ट है तो इसमें फॉरवर्ड टॉर्क बूस्ट, मतलब आपकी मोटर जब भी फॉरवर्ड की डायरेक्शन में घूमेगी तो उसको कितना टॉर्क मिलना चाहिए, और रिवर्स की डायरेक्शन में घूमती है तो कितना टॉर्क मिलना चाहिए, वो ये दो पैरामीटर डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो अभी F27 0 किया, मतलब कि मैन्यूअल टॉर्क बूस्ट काम करेगा, ठीक है, मतलब कि ये दो पैरामीटर काम करेगी। तो अभी F28 में डिफॉल्ट 3 3 सेट है, ठीक है, इसमें आप आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से मैक्सिमम 20 तक सेट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत नहीं है तो इसमें आप कम ही रखना, वरना क्या होगा कि आपकी जो मोटर है वो ज़्यादा एमपीए लेगी और हीटिंग ज़्यादा करेगी, ठीक है। और सिमिलरली F29 वो रिवर्स के डायरेक्शन में आपको मोटर को कितना टॉर्क देना है वो ये पैरामीटर डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैन्यूअल टॉर्क बूस्ट, 0 होगा तो, और ये 1 होगा तो क्या होगा, F27 इसमें 1 होगा तो क्या होगा कि हमारी जो VFD है वो ऑटोमेटिकली लोड के हिसाब से हमारे जो टॉर्क को वेरी करेगी, और इसमें ये दो पैरामीटर हमारे यूज में नहीं आएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर इज F72ND और HD सिलेक्शन, तो इसमें अभी 0 है, तो यहाँ पर 2.2 किलोवाट ND एंड ऑब्लिक 1.5 किलोवाट HD लिखा है, ठीक है। तो अगर आपका हैवी लोड है तो इसको एज अ 1.5 किलोवाट यूज कर सकते हो, और अगर आपका नॉर्मल लोड है तो इसको एज अ 2.2 किलोवाट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको यही वाले F72 पैरामीटर में 0 या 1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो HD हम हैवी लोड के लिए कब यूज कर सकते हो, जब भी हमारा कांस्टेंट टॉर्क वाला लोड हो, मतलब कि कोई क्रेन है, कोई कन्वेयर है, जहां पर हमारा जो लोड है वो कॉन्स्टेंट है, और ND नॉर्मल लोड, मतलब कि जो हमारा फैन है, ब्लोअर है, वेरिएबल टॉर्क वाला जो लोड रहते वो सभी नॉर्मल ड्यूटी में आते हैं, और जो हमारे कॉन्स्टेंट टॉर्क वाले लोड होते हैं वो हैवी ड्यूटी में आते हैं, ठीक है। तो इसमें आप आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। अभी इसमें 0 मतलब कि हैवी लोड के लिए सेट किया हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, H30 मोटर किलोवाट। अभी हमें F में से H ग्रुप में जाना है, H30 इसमें मोटर की नेम प्लेट पर कितना किलोवाट लिखा है वो आपको इसमें सेट करना है, ठीक है। अभी ये 1.5 किलोवाट की हमारी मोटर है, उसकी वजह से इसमें 1.5 डाला है, ठीक है। सिमिलरली H31 ये क्या है, मोटर पोल, मतलब कि आपकी मोटर के कितने पोल है वो आपको इसमें डालना है, ठीक है। अभी 4 पोल वाली हमारी मोटर है, उसकी वजह से इसमें 4 डाला है, ठीक। नेक्स्ट X33 मोटर करंट, मतलब कि मोटर आपकी मोटर की नेम प्लेट पर कितना एम्पियर लिखा है वो आपको इसमें डालना है, ठीक है। इसमें 3.7 एम्पियर डाले हुए हैं। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, H40 कंट्रोल मोड, ये काफी इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, H40। तो इसमें क्या है, 0, 0 का मीनिंग क्या होगा, V/F कंट्रोल, मतलब कि हमारी जो भी जनरल पर्पज एप्लीकेशन है उसमें हम 0 V/F कंट्रोल सेट कर सकते हो, ठीक है।
और वन होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा, स्लिप कंपेंसेशन। ये क्या करेगा कि हमारी जो स्पीड में कमी आ रही है उसको ये कंपेंसेट कर देगा, ठीक है। मतलब कि हमारी मोटर की स्पीड को थोड़ी जो कम ज़्यादा होती है वो कम ज़्यादा नहीं होने देगा, ठीक है। इसको कॉन्स्टेंट स्पीड पर मेंटेन करेगा इस अगर इसमें वन करोगे तो, ठीक है। और अगर थ्री करोगे तो उसका मीनिंग क्या होगा कि सेंसरलेस वेक्टर कंट्रोल। मतलब कि ये कब यूज कर सकते हो कि जब भी हमें कोई हायर एक्यूरेसी वाली स्पीड चाहिए या हमें कोई हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए, लो स्पीड में टॉर्क ज्यादा चाहिए, तो हम यहाँ वहां पर थ्री यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको हमारी एप्लीकेशन के हिसाब से यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर इज H77 कूलिंग फैन कंट्रोल। मतलब कि हमारी जो वीएफडी के अंदर जो कूलिंग फैन लगा होता है उसको कंट्रोल कैसे करना है वो ये पैरामीटर डिसाइड करता है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, इसमें तो अभी इसमें वन है, वन है तो उसका मीनिंग क्या होगा कि ऑन व्हेन रन कमांड इज गिवन और हीटिंग टेम्परेचर राइज। मतलब कि हम जब भी हमारी वीएफडी को रन कमांड देंगे तो हमारा ये कूलिंग फैन चालू हो जाएगा, ठीक है। और जब भी हम उसको स्टॉप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, इसमें वन होगा तो। और हीट सिंक का टेम्परेचर जो हमारे नीचे हीट सिंक लगी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी हमारा जो फैन है वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। और अगर इसमें जीरो होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा कि हमारा जो फैन है वो कंटिन्यूअसली चालू ही रहेगा, ठीक है, वो ऑन ऑफ नहीं होगा, ठीक है, इसमें जीरो करेंगे तो ये हो गया हमारा कूलिंग फैन का कंट्रोल, ज़्यादा इसमें वन रखते हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर इज H93 पैरामीटर इनिशियलाइजेशन। मतलब कि आपको आपकी वीएफडी को फैक्ट्री डिफॉल्ट में करना है तो उसके लिए आपको ये पैरामीटर H93 में वन डालना पड़ेगा। उससे क्या कि आपकी जो वीएफडी है वो फैक्ट्री डिफॉल्ट सेट हो जाएगी, ठीक है। देखिए अभी कूलिंग फैन चालू हुआ, सभी पैरामीटर फैक्ट्री डिफॉल्ट जो थे वो आ गए, ठीक है।